ओके स्टॉप। यदि आपका पैर इधर चला गया ऊपर थोड़ा सा भी माइनर नेल भी चला गया तो फाउल। फाउल लाइन पे नेल चला गया तो भी फाउल। ओके और जेवेलियन वहां गिरती है तो आप ऐसा मत समझना कि आपकी जेवेलियन फ्लैट गई। फ्लैट जाएगी कोई बात नहीं, सबसे पहले ये नॉक टच होना चाहिए। ऐसा नहीं, सभी के दिमाग में ऐसा होता है कि जेवेलियन यहाँ से थ्रो किया तो ऐसे कूद जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। जेवेलियन यहाँ से थ्रो किया वहाँ गई, ये नॉक टच किया, नॉक टच करने के बाद भी सीधी जाएगी वो भी वैलिड है, बराबर है। जेवेलियन थ्रो का ये इवेंट जिसकी शुरुआत होने वाली है, आपने देखा कि समझाया गया, डेमो देकर जो खिलाड़ी है उन्हें दिखाया गया, समझाया गया ये जो जेवेलियन थ्रो जिसे हम भाला फेंक भी कहते हैं, किस तरह से इसे खेलना है, किस तरह से भाला फेंकना है, किस तरह से इसका लैंडिंग होना चाहिए, आपको कैसे दौड़ते हुए आना है, आपका रनवे क्या है, ये सारी डिटेल्स पहले सारे खिलाड़ियों को समझाई गई। और अब ये जो इवेंट है ये जेवेलियन थ्रो जिसे भाला फेंक भी कहते हैं, इट इज़ अ ट्रैक एंड अ फील्ड इवेंट शुरू होने वाला है, दैट इज़ अंडर 16 बॉयज़ कैटेगरी से इसकी शुरुआत होगी। आप देख सकते हैं खिलाड़ी सज है, ये है वो मैदान जहाँ पर भाला फेंक कर जो खिलाड़ी है जेवेलियन थ्रो का ये इवेंट खेलेंगे। फील्ड जो है उसे क्लियर किया जा रहा है, भाला फेंक का ये इवेंट जेवेलियन थ्रो जहां पर भाले को हाथ में लेना है पूरी ग्रिप के साथ पकड़ते हुए दौड़ते हुए जो खिलाड़ी है वो आएगा और जो जेवेलिन है जो भाला है उसे जितना हो सके दूर फेंकने का प्रयास किया जाएगा। आप देखिए खिलाड़ी तैयार है, हाथ में भाला है, रनवे पे दौड़ते हुए उन्हें आना है, दैट इज़ व्हाट दे कॉल रनवे, जब वो समझा रहे थे मैं सुन रही थी, ये जो फील्ड है जहाँ उन्हें दौड़ते हुए आना है, गेनिंग द मोमेंटम और फिर ज़ोर से जितनी हो सके दूर भाला फेंकना है। फाउल थ्रो है ये, और जब भाला जो है जैसे समझाया गया वो जहाँ लैंड करता है उसकी जो नोज़ है जहाँ ग्राउंड पे टच होती है वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो नापा जाएगा। हर एक खिलाड़ी के पास 3 चांस होते हैं राउंड वाइज, ये पहला राउंड चल रहा है, दूसरे खिलाड़ी भाले के साथ पूरी ग्रिप के साथ इसे जेवलिन को पकड़ना होता है, दौड़ते हुए आना है। इट इज़ अगेन अ फाउल थ्रो। आप देख रहे हैं पूरी स्ट्रेंथ और एनर्जी का ये गेम है, जो ग्रिप है आपकी भाले पे वो होनी चाहिए, परफेक्ट ग्रिप होनी चाहिए, जब आप भागते हुए आ रहे हैं तो आप तेज़ी गेन करते हैं और उसी स्ट्रेंथ के साथ ये जो भाला है जेवेलिन जो है उसे हमें फेंकना है, जितना दूर जाएगा वो डिस्टेंस नापा जाएगा। 3 राउंड्स होते हैं हर एक खिलाड़ी के पास, उसमें तीनों में सबसे लॉन्ग डिस्टेंस जो होगा उसे कंसिडर किया जाएगा। खिलाड़ी सजे, अंडर 16 बॉयज़ कैटेगरी है ये, आप देख सकते हैं अभी तक जितने भी खिलाड़ियों ने भाला फेंका है, फॉल थ्रो था वो। एक और खिलाड़ी, इट्स अगेन अ फाउल थ्रो। बहुत ही मुश्किल है ये, जितना दिखता है उतना आसान है नहीं है, ये जो भाला फेंक का जो इवेंट है ये इतना आसान नहीं है जितना नजर आता है। फुल फोर्स, स्ट्रेंथ और ग्रिप, ये तीनों चीज़ें मायने रखती है। क्लियर थ्रो अनाउंस किया गया है इसे, अब डिस्टेंस नापा जाएगा। जेवेलिन के जो नोज़ है उसकी टिप जहां पर ग्राउंड को हिट करती है वहां तक का डिस्टेंस जो है वो नापा जाएगा, कितना दूर गया इनका भाला, इनका जेवेलिन अभी पता चल जाएगा। ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स जीरो
24.60 की ये दूरी है, इतनी दूर फेंका गया ये भाला। एक और खिलाड़ी सज है, दौड़ते हुए आना है, पूरी ग्रिप के साथ, स्ट्रेंथ के साथ इस जेवलिन को फेंकना है। क्लियर थ्रो है ये, डिस्टेंस नापा जाएगा। ट्वेंटी पॉइंट नाइन जीरो की ये दूरी है। फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे मैंने कहा हर एक खिलाड़ी के पास तीन अटेम्प्ट होते हैं, तो फर्स्ट राउंड जो है अटेम्प्ट का वो पूरा हो गया है और अभी जो सेकंड राउंड है वो शुरू होगा। उसके बाद दे विल हैव अनदर चांस। टोटल थ्री राउंड्स होते हैं, थ्री अटेम्प्ट्स होते हैं हर एक प्लेयर के पास, और उनका जो सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होता है जिसमें ये दूरी सबसे ज़्यादा होती है उसे कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट राउंड हो चुका है एंड दिस इज द सेकेंड अटेम्प्ट विच इज़ ऑन। फाउल है ये। आइए आपसे बात करते हैं सर, जेवलिन थ्रो जितना नज़र आता है उतना आसान है नहीं, मैंने देखा काफ़ी फाउल थ्रो है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो भाला है उसकी लेंथ कम से कम 2.5 मीटर होती है, और वज़न कितना होता है? वज़न इसका मैडम कैटेगरी के हिसाब से होता है। अभी अंडर 16 के बॉयज़ डाल रहे हैं, उसका वज़न है 700 ग्राम, 700 ग्राम का होता है। गर्ल्स होती है तो उसका 600 ग्राम का होता है। जैसे ही कैटेगरी अप होती है उससे उसके जेवलिन का वज़न बढ़ता जाता है, मतलब जैसे ही एज ग्रुप बड़ा हो उस हिसाब से भाले का वज़न भी बढ़ता है। क्या बेसिक रूल्स होते हैं? आपने जो इनिशियली 2-3 थ्रो थे वो सारे फाउल कंसिडर हुए, तो किस तरह से ये जज किया जाता है? जेवलिन थ्रो में मैडम एक रनवे होता है, आप रनवे में कितना दौड़ते हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन सबसे पहले आपकी ग्रीप होनी चाहिए। ग्रीप होने के बाद आप यहाँ पर रनवे पर जेवलिन कर रहे हो तो जेवलिन यहाँ पर स्टॉप बोर्ड के पास आके आपको रुक जाना है। वो स्टॉप बोर्ड के ऊपर यदि आपका पैर चला गया तो फाउल होता है। जेवलिन आपने थ्रो कर दी, जेवलिन ट्रैवलिंग कर रही है, जेवलिन ट्रैवलिंग करने के बाद जब लैंडिंग कर रही है जेवलिन, तो सबसे पहले जेवलिन की नॉक लगनी चाहिए। नॉक लगने के बाद ही हम वैलिड गिनते हैं। यदि जेवलिन सीधी चली गई तो वो फ्लैट होती है, तो उसको हम फाउल थ्रो कहते हैं। और जो वाइड डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? वो वाइल्ड डिस्टेंस होता है वो 36 मीटर का होता है। उसके बाहर जो जाता है ना हम आउट ऑफ सेक्टर बोलते हैं। मतलब जो आउट ऑफ सेक्टर है, थैंक यू सर बात करने के लिए और हमें समझाने के लिए, जो आउट ऑफ सेक्टर अगर आपका भाला जाता है तो उसे फाउल कंसिडर किया जाता है। थ्री अटेम्प्ट से हर एक खिलाड़ी के पास सबसे बेस्ट अटेम्प्ट को कंसिडर किया जाता है। सेकंड राउंड चल रहा है, आइए देखते हैं कितना उम्दा प्रदर्शन करते हैं ये खिलाड़ी। Last tie horse.